पंजाब दे जम्मियां नूं नित मुहिमा पर गुरदासपुर दे बटाला तों पंजाब दी सती मनजीत कौर लई पूरी जिंदगी ही एक मुहिम बन चुकी है। पढ़न लिखन हसन खेडन दी उम्रे ही मनजीत कौर ते घर चलाउण दी जिम्मेवारी आण पई। पिता दी मौत तों बाद घर विच कमाउण वाला कोई नहीं सी तां पिता वाली जिम्मेवारी मनजीत कौर ने संभाल लई। इह सिलसिला जारी है। पिछले 18 साल तों मनजीत कौर घर घर अखबारां विच घर दा गुजारा चला रही है। मैनूं 18 साल हो गए ने इस काम मेरे पिता जी की सेहत जी खराब रहन लग पी तो उस तो बाद उन्होंने एक्सीडेंट हो गया जिस कारण करके साडे घर कोई होर कमाई का साधन नहीं सी जिस कारण करके मैनूं इस अखबार के गिद्दे विच आना पिया। मनजीत कौर दा संघर्षी सफर रोजाना गर्मी होवे सर्दी होवे जां मीं चखड़ सवेरे 4 बजे शुरू हो जांदा है। ओ घर घर अखबार पहुंचाउंदी है। रोजाना करीब 15 किलोमीटर दा सफर तय कर मनजीत कौर 250 दे करीब घरां विच अखबार पहुंचा के आउंदी है। मैं सवेरे कोई 5:30-4 बजे दे करीब इत्थे आ जन्नी आ अखबारां अपनियां इकट्ठियां करके ते अपने कोई 250-300 घर आ जिन्हां घर मैं अखबार दे के आउंनी आ डोर टू डोर। मेरे अज तक कदी परमात्मा की दया नाल कदी इहो जिहा मन च नहीं आया चलो सारे कोऑपरेटिव ने सारे ने कदी इत्थे मतलब कोई इहो जिही घटना नहीं होई कि जिहड़ा मेरे मन विच डर बैठा होए भी मैं इत्थे अपने घर विच मतलब आ गए ते इक हिसाब नाल मेरा भी इह सारा जिहड़ा परिवार ही आ। मनजीत कौर सख्त मेहनत कर रही है पर बावजूद इस दे घर दी हालत खस्ता है। अखबारां वंड के परती मनजीत कौर घर परतदियां ही सिलाई मशीन लेके बैठ जांदी है। इस सब नाल जो कमाई हुंदी है उसे नाल ही घर दा गुजारा चलदा है पर की करे कमाई दा होर कोई जरिया नहीं पूरे परिवार दी जिम्मेवारी है। मनजीत कौर दा कहना है कि जदों पिता दा देहांत होया तां साडे ते दुखां दा पहाड़ टुट पिया। समझ नहीं आ रही सी कि घर दा गुजारा हुण किवें चलेगा। जिस काम दा कुछ पता सी ओह सी अखबारां वेचना अते सिलसिला शुरू होया जो अजे तक जारी है पर सख्त मेहनत दे बावजूद इस तो एनी कमाई नहीं हुंदी कि चंगी तरह घर दा गुजारा हो सके। पर बावजूद इस दे पंजाब दी धी होरां लई मिसाल है कि मन विच कुछ करन दा जज्बा होवे तां कोई भी काम औखा नहीं है। नहीं उन्ना पैसा नाल गुजारा ते नहीं हुंदा पर चलो जिहड़ी कहिंदे ने भी अपना किसे दे अगे हथ फैलाउण दी लोड़ नहीं पैंदी इन्ना सतगुरु दा शुक्र है कि गुजारा नहीं हुंदा पर उहदे नाल गुजारा लगभग हो जांदा भी चलो थोड़ा बहुता हो जांदा। इस तो अलावा मैं कपड़े सिलाई करनी हाँ उन्होंने तो यही अपील करांगी भी अपने अंदर हिम्मत जी इकट्ठिया करो तो अपना तू ही समाज न लड़ना वा तू किसी ने आ के तू हौसला नहीं देना जा तू किसी ने आ के सामभना नहीं तुम अपने अंदर हिम्मत पैदा करो भी असी इस समाज के जाके खुद विचरना वा तो अं इस समाज न लड़ना वा तो इस समाज का जोड़ा गंदा मतलब एक बन चुका वा भी असी इस समाज में औरतों का रहना जोड़ा बड़ा मुश्किल हो गया उसू खत्म करके असी खुद जाके इस समाज न लड़ के तो इसनों आप जितना वा तो औरतों जोड़ा एक मुकाम हासिल करा वा। कठिन हालातों के बावजूद इस परिवार विच संघर्ष करन दी हिम्मत है हालातों नाल लड़न दी ताकत है किसे अगे हाथ अड़न दी थां वो अपनी मेहनत नाल मुकाम हासिल करना चाहुंदी है। अखबारां वेचण वर्गे काम नूं चुणिया अते पिछले 18 साल तो निरंतर जारी है। वो होर औरतां लई इक मिसाल है कि समाज दी परवाह छड के जे वो विचरण तां वो हर काम कर सकदियां हन। गुरदासपुर तो सिख न्यूज एक्सप्रेस दे लई नितिन लूथरा। ग्लोब एडवाइस ओवरसीज एजुकेशन ते इमीग्रेशन कंपनी हैगी है। सानू 35 साल का एक्सपीरियंस है। असी बच्चों नू उन्हां दे प्रोग्राम सिलेक्शन ते स्कॉलरशिप्स विच हेल्प करने हैं। असी बच्चों नू अप टू 50 लाख तक स्कॉलरशिप्स लैके दित्तियां हुई ने। असी बच्चों के वीज़ा LORs SOPs हेल्प करने हैं ते पोस्ट लैंडिंग सर्विसिज विच एयरपोर्ट पिकअप ते उन्हां दी टेंपरेरी अकोमोडेशन का इंतजाम भी करने हैं। जेकर तुहानू साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इसनू लाइक करो शेयर करो अते साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो।